भारतीय जनता पार्टी की फायर ब्रांड नेता साध्वी प्राची का बयान अब की बार फिर कमल खिलेगा। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की फायर ब्रांड नेता और अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाली साध्वी प्राची मुरादाबाद जनपद के रामुंगा बिहार स्थित दीनदयाल नगर में भाजपा नेता दीपक अग्रवाल के आवास पहुंची, जहां पर समाजसेवी द्वारा साध्वी प्राची का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए साध्वी प्राची ने कहा कि प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार बन रही है। उन्होंने कहा कि बस 9 दिन और रह गए हैं, उसके बाद सबका पिटारा खुल जाएगा। उन्होंने कहा कि 10 मार्च को सबकी पोल खुल जाएगी, भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। एक साल पर उन्होंने कहा कि ये संस्कारहीन लोगों के काम है जिनकी भगवा को बदनाम करने की शुरू से ही साजिश रही है। वे लोग नहीं जानते कि भगवा हिंदुस्तान की आन बान शान और हिंदुस्तान के स्वाभिमान का प्रतीक है। इधर को सरकार बन रही है, बीजेपी को देखना क्या है, प्रचंड बहुमत में सरकार बन रही है। अच्छा, लगातार बयानबाजी हो रही है दोनों साइड से, बीजेपी की तरफ से भी और समाजवादी पार्टी भी दावा कर रही है कि हम जीतेंगे, तो इस पर आपका क्या कहना है? 10 मार्च आने दो, 10 मार्च में सबकी पोल खुल जाएगी, भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। डिंपल कोई बात नहीं, दिन कितने रह गए, 9 दिन की बात है, 10वें दिन सबका पिटारा खुल जाएगा। ये संस्कार इन लोगों की बात है जो भगवा को बदनाम करने के शुरू से ही इनकी साजिश रही है। इनको नहीं पता कि भगवा हिंदुस्तान की आन बान और शान और हिंदुस्तान के स्वाभिमान का प्रतीक है। परमात्मा के दिए हुए सूर्य को अपमानित करने का काम कर रही है डिंपल यादव। इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, 10 मार्च होने दो, सबकी पोल खुल जाएगी, कौन कितने पानी में, भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। कमल का फूल,